तो आइए फटाफट से रीड करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि द शेप ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन है और रेक्टेंगुलर शेप में बीच में आप देख सकते हैं बीच में रेक्टेंगुलर शेप है और साइड में सेमी सर्कुलर है, राइट। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हिंट की तरफ हम लोगों ने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पैरामीटर की, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो बात करते हैं पैरामीटर। देखो मैंने हमेशा पढ़ाया पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर होता है कि किसी चीज की बाउंड्री कितनी लंबी है, राइट। हमेशा पढ़ाया क्या कि किसी चीज की बाउंड्री कितनी लंबी है वो पैरामीटर होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये बंदा कितना चलेगा, देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा पूरा ऐसे करके ना, ये वाला सारा हिस्सा चलना पड़ेगा इसको, ये वाला सारा, ये पूरा सारा हिस्सा ही चल करके जाएगा ऐसे और ये वाला सारा, ठीक है। तो देखो ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा, राइट। तो 20 मीटर ऊपर है 20 मीटर नीचे, टोटल 40 मीटर तो ये चलेगा। इसके साथ में और क्या चलेगा, उसके साथ में देखो ये वाला हिस्सा भी चलेगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आप सोचो, ये हो जाएगा आधा आधा सर्कल, टोटल पूरा सर्कल बन जाएगा, राइट। और पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस के निकालते हैं 2 पाई r की वजह से, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और रेडियस कितना हो गया, सवाल ही है। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा क्या है, ये जो आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा क्या है, इसका डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है 7 तो 7 का आधा हो जाएगा ना इसका रेडियस, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ऐसे करके पूरा सर्कल होता है ना, तो डायमीटर आधा हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो आप रेडियस क्या बोलेंगे, बोलेंगे 7/2 और मीटर, ठीक बात है। यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं कि 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 40 और 22 कितना होता है, 62 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका पेरीमीटर तो आसानी से आ गया। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट कि हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो एरिया में निकालना बहुत आसान है, आप देखिए जो अंदर रेक्टेंगल है, ये जो अंदर रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर है, ठीक है, और ये 7 मीटर है, ठीक है ना। साथ में आपके पास सर्कल है दोनों तरफ पूरा सर्कल, जिसका रेडियस कितना है, 7 का आधा मीटर, ठीक है। तो ये 27 जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा जी, πr², पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस का मतलब है कि 7/2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7/2 मीटर आप लिख सकते हैं। अच्छा देखें अगर आप यहाँ 7 से 7 काट देंगे, 2 को 11 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 77 का आधा आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि यार 140 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर 77 का आधा कर लो, तो 77 का आधा करोगे 2 3 6 17 17, 2 8 16 17.5 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसे ऐड कर ले बच्चा लोग तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 8 14 3 17, ठीक है बॉस, और 0.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस बढ़िया क्वेश्चन का एरिया और पैरामीटर दोनों निकाल सकते थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी किसी को भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ओके।